नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए यहाँ पे लौकी के अच्छे सॉफ्ट से एकदम मुलायम पराठे बनाए जाएं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जहाँ बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये पराठे कितने अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आधी लौकी रखी हुई थी जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं और उसे बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मैंने इसे किसनी में बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे आटा और आटे में जो हमने ग्रेट की हुई लौकी रखी थी वो डाल देंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, दो कटी हुई हरी मिर्च और हम यहाँ पे डाल देंगे अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। और अब हम इस आटे को बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे इसके साथ हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अभी हम आटे को बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि लौकी अपना पानी वैसे ही छोड़ेगी, तो हमें इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और थोड़ा सा टाइट आटा ही मारना है। तो यहाँ पे मैंने इसके मोयन के लिए थोड़ा सा तेल भी डाला है और यहाँ पे देखिए मेरा आटा बिल्कुल रेडी है। तो आइए पराठे बनाए जाएं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रायंगल शेप में ही पराठा बनाएंगे क्योंकि जब इसके बीच में हम तेल लगाएंगे तो ये बीच से भी अच्छे से पक जाएगा फूल के। और अब हम इसे चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लेना है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पराठे बनके हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप कितना सॉफ्ट पराठा बना है। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।